सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्म भट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा कौन से फूलों से करनी चाहिए, उनको कौन से फूल सबसे अधिक प्रिय है। शास्त्रों में फूलों के बारे में कहा गया है कि देवस्य मस्तकम कुर्यात् कुसुमोपहितम सदा। इसका अर्थ है कि देवता का मस्तक सदा हमें फूलों से सुशोभित रखना चाहिए, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे पहले कि भगवान शिव को कौन से फूल अर्पित करने से वो सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। लिंग महापुराण और शिव पुराण के अनुसार बिना बिल्व पत्र के की गई शिव पूजा सदैव अधूरी रहती है। इसलिए एक बात का ध्यान रखें कि शिव पूजा में भले एक बिल्व पत्र का लेकिन उपयोग अवश्य करें। दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए शमी के जो पत्ते होते हैं उनसे भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसके अलावा भगवान शिव को जो सबसे अधिक प्रिय फूल है वो है धतूरे का फूल। इसके अलावा हरसिंगार, नाग केसर के सफ़ेद फूल, सूखे कमल के गट्टे, कनेर कुसुम, आंख और कुश चढ़ाने का विधान भगवान शिव के लिए मिलता है। इन सारे फूलों से भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। उसके बाद है विष्णु जी को कौन से फूल प्रिय है। एक बात का ध्यान रखें कि तुलसी दल भगवान शिव को भी अर्पित कभी नहीं होता। विष्णु जी के विषय में भगवान विष्णु को सबसे अधिक जो प्रिय है वो है कमल और तुलसी दल। इन दोनों चीज़ से भगवान विष्णु सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा मौलसिरी, जूही, कदम्ब, केवड़ा, चमेली, अशोक, मालती, चंपा, वैजंती, ऐसे फूल भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। कार्तिक मास के अंदर केतकी के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करने से सदैव विष्णु जी हम पे प्रसन्न रहते हैं। जिस तरह से बिल्व पत्र के बिना शिव पूजा अधूरी रहती है, उसी प्रकार से तुलसी दल और कमल के प्रयोग के बिना विष्णु भगवान की पूजा अधूरी रहती है। तो इस तरह से धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव और विष्णु जी पर इस प्रकार के फूल चढ़ाने का विधान मिलता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।